क्लास 8। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, टॉपिक चल रहा है समीकरण का। अभी जो कर रहे हैं उसमें समीकरण बनानी है और उसको हल करना है। प्रश्न दिया हुआ है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। पहला काम आपको नहीं करना है, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अगर प्रश्न नहीं पढ़ोगे तो समझ में आएगा भी नहीं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तरणताल की लंबाई लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगुना, दुगुना मतलब क्या होता है, दुगुना मतलब 2 से गुना, दुगुना का मतलब हो गया 2 से गुना से 2 मीटर अधिक है। अधिक है मतलब क्या करना है, प्लस करना है। अधिक है मतलब क्या करना है, प्लस करना है। अधिक है मतलब क्या करना है, प्लस करना है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगुना करने के बाद उसमें 2 जोड़ने पर आएगी। तो लंबाई किस पे डिपेंड करती है, लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करती है। जब चौड़ाई आएगी तो लंबाई आएगी। लंबाई किस पे डिपेंड है, लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड है। क्यों है, क्योंकि चौड़ाई को दुगुना करोगे उसमें 2 जोड़ोगे तो वो लंबाई आएगी। तो लंबाई किस पे डिपेंड होगी, चौड़ाई पे। लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड होगी, इसलिए चौड़ाई माननी पड़ेगी। माना तरणताल की चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई क्या मान लिया अपन x मीटर, क्योंकि लंबाई किस पे डिपेंडेंट है, लंबाई चौड़ाई पे डिपेंडेंट है। अब ये कह रहा है चौड़ाई का दुगना, चौड़ाई का दुगना चौड़ाई क्या मानी x, तो दुगुना माने क्या होता है, 2 से गुणा, 2 × x क्या हो गया, 2x। चौड़ाई का दुगुना क्या आ गया, 2x। चौड़ाई x मानी है, चौड़ाई का दुगुना क्या हो गया, 2x। तो तरणताल की लंबाई तरणताल की लंबाई लंबाई कैसा आएगी, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना क्या आया, 2x, 2 अधिक है प्लस 2, क्या आया, 2x प्लस 2। तरणताल की लंबाई कैसे आएगी, चौड़ाई का दुगना 2x आया, 2 अधिक है प्लस 2 कर दिया, तो उसको लंबाई क्या आ गई, 2x प्लस 2। इसका परिमाप 154 मीटर है। तरणताल का परिमाप कितना है, 154 मीटर है। तरणताल कैसा है, आयताकार, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2
इंटू लंबाई, लंबाई कितनी है 2x + 2 प्लस चौड़ाई कितनी है x बराबर, परिमाप कितना है इसका 154, कितना है परिमाप 154। 2x में x जोड़ दो पहले, दोनों चार पद है जुड़ जाएंगे तो या कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, 2x और एक 3x हो गया, 2 × 3x + 2 बराबर कितना हुआ 154। ये इधर इंटू में है बराबर के इधर आके भाग में हो जाएगा, बराबर के इधर संख्या इंटू में होती है वो भाग में आती है, भाग में होती है वो इंटू में आती है, 3x + 2 बराबर 154/2 भाग लगा दो 2 × 7 = 14 3x + 2 बराबर 77। ये समीकरण बन गए, समीकरण क्या बन गए अपने 3x + 2 बराबर 77, ये बन गए समीकरण, बन गए समीकरण। अब पहले चर अचर पहचान लेते हैं, 3x, 3x लगा हुआ है, कौन सा पद हो गया चर पद, 2 केवल संख्या है कौन सा हो गया अचर पद, 77 केवल संख्या है कौन सा पद हो गया अचर पद, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना है, समीकरण हल करना है तो अचर को अचर के पास भेजना पड़ेगा, हल करना है समीकरण को क्या करेंगे अचर को अचर के पास भेजेंगे, तो प्लस 2 इधर लाओ क्या बन जाएगा माइनस का 2, प्लस 2 क्या बन जाएगा माइनस का 2, 3x बराबर 77 माइनस 2 कितना आ गया 70 आ गया, x बराबर 75/3 75 में कितनी हवा लगा दो, कितनी बार 25 बार, x का मान क्या आ गया 25 आ गया, x का मान क्या आ गया 25 आ गया, किसको माना x चौड़ाई को, इसको माना x चौड़ाई को, तो चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई आई 25 मीटर, लंबाई, लंबाई कैसे आएगी 2x + 2 2x 2 × क्या x का मान आया 25 प्लस 2, लंबाई क्या आ गई 50 + 2 बराबर 52 मीटर, याद क्या करनी थी अपने को लंबाई व चौड़ाई, लंबाई आ गई 52 मीटर चौड़ाई आ गई 25 मीटर। समीकरण बनाना जरूरी है, आना जरूरी है, हल करना तो आपने सीख रखा है, समीकरण बनाना सीखोगे तो समझ में आएगा, बहुत सिंपल प्रश्न था, समीकरण बनाने में दिक्कत आई नहीं अपने कोई, अगर समझ में नहीं आ रहा है समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, धन्यवाद।